आज जो हमारे हेल्दी स्लश है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बीट रूट का बीट रूट तो आप सब जानते हो मुझे अलग से कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है ये कितना अच्छा होता है हमारे लिए तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था अब इसको मैं छील ले रही हूँ तो जब तक मैं इसको छील रही हूँ कमेंट करके ज़रूर से बताएगा कौन सी सिटी से आप मेरा वीडियो ये देख पा रहे हो ताकि आपको थैंक यू कह सकूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए मैंने क्या किया बीट रूट को छील लिया उसको वॉश कर लिया वापस से अब मैं इसको काट ले रही हूँ इसके पीसेस कट करके डाल देंगे मिक्सी के जार में ऐसे ये खाया नहीं जाएगा और तो हम इसका ना बढ़िया से स्लश बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगता है और इसे ट्राई जरूर से कीजिएगा वजन कम करना चाहते हो तो इसको तो पीना बहुत जरूरी है बहुत अच्छा भी है मतलब वजन कम नहीं करना चाहते हो वैसे भी ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए इसको पीना जरूर से चाहिए हमें एक गाजर भी छील के अच्छे से मै इसमें चॉप करके डाल दे रही हूँ इसी के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा और एक हल्दी छोटी जो खड़ी हल्दी होती है ना एक छोटा सा टुकड़ा मैंने हल्दी का इसमें डाल दिया है आप चाहो तो इसमें आंवला मिक्स कर सकते हो नींबू का रस डाल सकते हो मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे आधे पौन ग्लास जितना या जितना आप पतला इसको करना चाहते हो उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा और वापस से इसको हम पीस लेंगे और इसको आप छान के भी पीस सकते हो बट छान लेंगे तो इसके जो फाइबर्स है वो निकल जाएंगे तो मैं क्या करूँ आधा ग्लास जितना डाल दे रही हूँ और थोड़ा पानी भी इसमें मिक्स कर ले ली ताकि थोड़ा सा ये पतला हो जाए पीने में आसान जा। और अगर आप ऐसे नहीं पी पा रहे हो तो आप इसको अच्छे से निचोड़ के छान के इसका जूस निकाल के आप पी लीजिएगा और आपको ऐसे टेस्ट पसंद ना आए तो थोड़ा सा शहद मिला दीजिएगा या फिर नींबू का रस जैसे कि मैंने आपको कहा वो आप डाल सकते हो वीडियो पसंद आया हो आज का तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग जय श्री गणेश बाय गुरु जी